हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक टी टाइम स्नैक्स का रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है और जल्दी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं। ये एवोकाडो है। एक एवोकाडो को मैंने निकल के चॉप कर लिया। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए पेस्ट बन गया है ये पूरा। अब इसको हम निकाल देंगे। अब ये बर्तन में मैं दे रही हूँ ऑयल। आप चाहे तो इसके जगह पे बटर यूज कर सकते हैं। ये एक कप ऑयल है। अब इसमें हम डालेंगे शुगर पाउडर। एक कप से थोड़ा कम शुगर पाउडर ले रहे हो। पाउडर शुगर है। आपके पास अगर पाउडर शुगर नहीं है तो आप चीनी को पीस के इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें दे रही हूँ दही, दो टेबलस्पून, थोड़ा सा वेनिला एसेंस 1 टीस्पून। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और एयर बबल्स फॉर्म हो जाए। इससे केक बहुत अच्छा फूलता है। हमारा ये लिक्विड बैटर रेडी हो गया। अब इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। मैंने छन्नी रख दिया। उसमें एक कप मैं मैदा दे रही हूँ। हमें 2 कप मैदा लेना है। 2 कप मैं मैदा दे रही हूँ। देखिए मैंने 2 कप मैदा दे दिया। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। जो मेजरिंग टीस्पून होता है उससे 1 टीस्पून देना है और 1/2 टीस्पून हम बेकिंग सोडा इसमें यूज करेंगे। अब इन सबको अच्छे से सीव करके वेट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करेंगे। इसको कट एंड फोल्ड के मेथड से हमको मिक्स करना है। अगर आप ऐसे ही ये कर देंगे तो उसका एयर बबल चला जाएगा और केक नहीं फूलेगा, इसलिए हमको कट एंड फोल्ड के मेथड से इसको फोल्ड करना है। फिर मैं जो एवोकाडो पेस्ट बना के रखी थी उसको दे रही हूँ। देखिए इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको भी हम कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे ताकि हमारा एयर बबल ना चला जाए। आप अगर उल्टा सीधा करके इसको घुमाते रहेंगे तो वो खराब हो जाएगा, केक और फूलेगा नहीं। हमारा ये बैटर अभी ठीक है। इसमें मैं दूध दे रही हूँ, जो जितना कंसिस्टेंसी हमको चाहिए, इसलिए दूध आप थोड़ा थोड़ा करके दे के इसको मिक्स कीजिएगा, जैसे कि एक ये फॉर्म में आए। इसमें मैं मिल्क मेड दे रही हूँ, लगभग 3 टेबलस्पून। आप चाहे तो जब मैं ऑयल दी थी उस टाइम पे भी देके मिक्स कर सकते हैं। मैं अभी दे रही हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसे सुविधा हो वैसा कर लीजिए। मिल्क मेड देने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। देखिए मेरा कंसिस्टेंसी कैसा है, इसी कंसिस्टेंसी में रखना है। और मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन जेल कलर दे रही हूँ ताकि ये थोड़ा सा ग्रीन पिस्ता कलर आ जाए। एक ही ड्रॉप दीजिएगा और उससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद ना हो तो आप अवॉइड कर सकते। ये अच्छा दिखता है इसलिए मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ इसमें। इसको कॉटन फोल्ड मेथड से हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मेरा बैटर रेडी हो गया है। मैंने केक टिन भी रेडी कर रखा है। अब इसको इसमें पोर करके 180 डिग्री पे 35 टू 40 मिनट्स तक हम इसको बेक करेंगे। 35 मिनट्स में एक बार चेक करेंगे कि ये हुआ है कि नहीं। उसके बाद अगर 5 मिनट लगा तो 40 मिनट्स में हम इसको पैक करके निकाल देंगे। इसको मैं थोड़ा डैप कर ले रही हूँ सो दैट नीचे का जो एयर बबल है वो निकल जाए। और ऊपर से मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स चॉप करके इसमें गार्निश कर रही हूँ। मैं काजू पिस्ता और वॉलनट यूज किया है। आपको जो पसंद है आप वो यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको बेक करूंगी। बेक करने बिठा दे रही हूँ, जैसे ही हो जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा केक रेडी हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा चाकू पूरा क्लीन निकला है तो हमारा केक रेडी हो गया। ये थोड़ा ठंडा होगा,
तब हम डीमोल्ड करेंगे इसको, फिर इसको कट करके मैं आपको दिखा दूंगी। अभी ठंडा हो गया है, इसको ट्रे में निकाल के उसका जो बटर पेपर था, पचमेंट पेपर, उसको मैं निकाल दे रही हूँ। देखिए मेरा केक कितना सुंदर बना है, बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट है, जैसा चाहिए। ये टी टाइम स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा रेसिपी है। आई होप आज का ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कितना स्पॉन्जी और कितना इसका जाला, देखिए कितना सुंदर इसका ये बना हुआ है। अभी भी ये थोड़ा थोड़ा गर्म है, आप पूरा ठंडा करके इसको काटिएगा। देखिए ग्रीन कलर की वजह से ये थोड़ा और खिल के आ रहा है, आप चाहे दे सकते हैं कलर या फिर आप अवॉइड कर सकते हैं। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये यूनिक रेसिपी है, हेल्दी भी है, आप मैदा के जगह पे आटे भी लेके इसको यूज कर सकते हैं। आप लोग जरूर इसको ट्राई कीजिए, ये टी टाइम स्नैक्स है, ट्राई करके मुझे बताइएगा। चलिए मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।